हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएनएस स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। इससे संबंधित लगभग 20+ क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार प्रश्न है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आपकी यह क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और प्यारे साथियों, मैं आपको जो है लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, पहला क्वेश्चन है भारत के कुल पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा 9, ठीक है। कितना? 9 भारत के कुल पड़ोसी देश हैं। देखिए 9 है, ठीक है, 9 है, और जिसमें 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। 7 स्थल और 2 जलीय है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 7। कौन से हैं ये आपकी स्थलीय सीमा से लगे हैं, ठीक है। 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, और यह हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जल तथा स्थल, ठीक है, जल तथा स्थल सीमा से लगे जो है पड़ोसी देश जो है कितने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 3, ठीक है। कितना? 3। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में संबंधित देश कितने हैं। तो आप बोलेंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आपका भूटान। आपके कितना आंसर होगा इसमें? 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो क्या है। तो आप बोलेंगे यह मन्नार की खाड़ी है। क्या है? पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य या फिर बोलेंगे मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यह भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, कौन सी सीमा है। तो आप बोलेंगे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है। तो आप बोलेंगे अफगानिस्तान देश के साथ सबसे छोटी सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसमें तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है। जैसे कहते हैं ना कि यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा है। तो आपका वह राइट आंसर हो जाता है, चलिए मैं नहीं बता रहा इसको, आपको यह क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूपी का, ठीक है, यूपी का जो तीन तरफ से घिरा जिला है, मतलब जिला है, ठीक है, यूपी का तीन तरफ से, ठीक है, तीन तरफ से घिरा जिला बताना है आपको। यहाँ मैं जिला लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। यूपी का तीन तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, कहाँ का, भारत का। तो आप बोलेंगे त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन देखिए, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है, और श्रीलंका आपका ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दे दिए, और अगर आपका श्रीलंका है, देखिए सबसे पड़ोसी पूछा है ना, मतलब जो सबसे नजदीक है वो आपका श्रीलंका है। मान लो श्रीलंका ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपका फिर क्या आंसर होगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो आप बोलेंगे ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में देखिए पूछा है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं, ठीक है, थीके? भारत के पूर्व में कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है, ये आपके दो, ठीक है, ये आपके
दो देश हो जाएंगे, कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 14, और 14 में पूछा है देखिए भारत के उत्तर में कौन सा देश है, ठीक है? तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल, भूटान, चीन। यह है आपके जो है तीन देश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो आप बोलेंगे श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, और 16 में पूछा है भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, ठीक है? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे बड़ा देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है? जो भारत का सबसे मतलब जो पड़ोसी देश है, नौ देश जो है उनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है, ठीक है? भारत का कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है? तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर है, ठीक है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, और 18 में पूछा है भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण देखिए, इसका जो निर्धारण हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया है, ठीक है? तो किसने रखा था? सर जे रेड क्लिफ, ठीक है? नेक्स्ट है भारत चीन की जो बीच की रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे भारत चीन के बीच की मैकमोहन रेखा। और जिसका निर्धारण किया गया था वो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था, ठीक है? शिमला में इसका निर्धारण हुआ था कब? 27 अप्रैल 1914, और भारत पाकिस्तान का 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा जो है वो क्या है? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है? डूरंड रेखा, और इसका निर्धारण हुआ 1896 में, ठीक है? 1896 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे 17। जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं कितने? नौ देश हैं, और उन नौ देशों से जो भारत के राज्य टच हो रहे हैं, जो उनकी सीमा से मिले हुए हैं, तो वो 17 राज्य हैं, ठीक है? 17 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, और 22 में पूछा है देखिए भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान कब्जे में क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पोक, POK, पोक, ठीक है? पाक अधिकृत कश्मीर, यह जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, और इसी के ऊपर अक्सर लड़ाई होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, ठीक है? नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, यह कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा 1972 में, और यह जो है शिमला समझौता के तहत हुआ था, ठीक है? शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका वो शानदार प्रश्न है, आपसे काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आपको याद करना होगा देखिए 24, ठीक है? 24 आदम आदम का पुल स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलेंगे कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है? कोई व्यक्ति, एक भारत का व्यक्ति श्रीलंका जाता है तो वो जो है आदम पुल से होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आपसे यह परीक्षा में पूछा जा सकता है प्यारे साथियों। देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, 3 बीघा, ठीक है? 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो आप बोलेंगे यह भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है, ठीक है? भारत और बांग्लादेश को कौन जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो प्यारे साथियों, आपको यह हमारी भारत के पड़ोसी देश वाली क्लास कैसी लगी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।